हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रेम है और हम बात करने वाले हैं आज के लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका भी बात कर रहा है सोशल मीडिया एप्स जितने भी चाइनीज हैं सबको बैन करने वाले हैं। तो टिकटॉक अब भारत में नहीं अमेरिका में भी बैन हो गया है। तो ये काफी अच्छी खबर है आपके लिए और चाइना के लिए काफी बुरी खबर है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ये है कि रेडमी का K40 भारत में जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। रेडमी K40 का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास इस साल के, या फिर बहुत हुआ तो एक्सटेंड होकर जाएगा जनवरी या फरवरी तक। तो जनवरी फरवरी तक आपको ये फोन आपके हाथ में होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल बाय कीजिएगा रेडमी का K40 फोन। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है पोको M2 प्रो की तरफ से। पोको M2 प्रो भारत में लॉन्च हो चुकी है, आप इसको बाय कर सकते हैं। ये सेल स्टार्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पोको M2 प्रो लेने के लिए, जो कि एक सोमी का ही सब ब्रांड है, मतलब ये एक चाइनीज फोन ही है तो सोमी का सब ब्रांड है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 13,999 रुपया। इसका 3 वेरिएंट है, लगभग 6,64, 6,128 और 4,64। अगर आपको बाय करना है तो बाय कीजिए। फोन लगभग रेडमी नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही फोन है रेडमी नोट 9 प्रो, सिर्फ नाम बदल दिया गया, बाकी सब कुछ एज इट इज है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है ये है कि OnePlus Nord जो फोन है वो 21 जुलाई को भारत में लॉन्च हो जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। प्री ऑर्डर इसका 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है सिर्फ अमेजोन पे। इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो लगभग रखा गया 38,000 के आसपास इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस रिवील नहीं हुआ है, बट आप इसको बाय करने के इंटरेस्ट में तो बाय कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इसका प्राइस वही रहेगा। और अगर आपको प्री बुक करना है तो 500 रुपये देके प्री बुक कीजिए अमेजोन पे। 15 जुलाई तक इसका प्री बुकिंग स्टार्ट होगा, और सॉरी 15 जुलाई से इसका प्री बुकिंग स्टार्ट होगा, 21 जुलाई से इस फोन लॉन्च होने वाली है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अगर आप ये फोन प्री बुक करते हैं तो आपको OnePlus की तरफ से एक लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज भी दिया जाएगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है मोटोरोला का मोटो वन फ्यूजन प्लस की तरफ से। मोटोरोला का मोटो वन फ्यूजन प्लस जो फोन है वो उसका प्राइस पहले था 17,500 रुपया, 17,499, उसमें से 500 रुपया रिसेंटली कम कर दी गई है मोटोरोला की तरफ से। इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि पोको M2 प्रो लॉन्च हो चुकी है तो जनरल सी बात है कि मोटोरोला का सेल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, इसलिए मे बी मोटोरोला ने पहले ही अपने प्राइस को डाउन कर दिया है 500 रुपये। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बाय कर सकते हैं। तो अब 500 का जो मतलब 17,000 के आसपास का रेंज जो हुआ उसमें मोटोरोला मिल जाएगा, पोको M2 प्रो मिल जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि आप पोको M2 प्रो लेना है कि नहीं लेना है जो, या फिर आप बाय कर सकते हैं नॉन चाइनीज फोन मोटोरोला का भी, या आप पे डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट न्यूज है वो है BSNL की तरफ से। BSNL ने एक नया ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। इसमें आपको 100 GB डेटा मिलेगा 20 MPS का हाई स्पीड इंटरनेट के साथ। इसका प्राइस रखा गया सिर्फ 500 रुपये। अगर आप इंटरेस्ट हैं तो बाय कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये साथ में ये कुछ सिलेक्टेड सिटीज में स्टार्ट हुआ है तो आपको देखना होगा कि आपके सिटीज में है कि नहीं। जो बताया जा रहा है कि ये लगभग सारे सिटीज में है, लेकिन कुछ सिटीज को छोड़कर जैसे लाइक अंडमान निकोबार, केरला, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, राजस्थान सर्कल, ये सब सर्कल में ये प्लान अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इन जगहों को छोड़ के किसी और जगह में रेजिडेंट हैं तो आप BSNL का ये प्लान ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 100 GB का डेटा सिर्फ 500 रुपये में। एक और न्यूज है जो आ रही है वो है गेमिंग वर्ल्ड की तरफ से। पबजी जो चाइनीज ऐप गेम हुआ वो उसका एक नया अपडेट आया है जिसमें लिविक मैप इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप पबजी के शौकीन हैं, पबजी खेलना पसंद करते हैं तो आप अपने फोन को अपडेट कीजिए। इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा 0.19.0, इसमें आपको एक नया मैप मिलेगा जिसका नाम है लिविक। तो लिविक मैप है, आप इसको खेल सकते हैं। एक और जो न्यूज है वो ये है कि LG जो नेक्स्ट 5G फोन हुआ क्यू सीरीज उस पर काम कर रही है। तो LG का बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा LG का Q92 5G स्मार्टफोन। सो
थोड़ा सा इंतजार कर लिए, बहुत जल्द आपको LG का Q92 फोन भी आपको मार्केट में बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। ये 5G स्मार्टफोन रहेगा और ये बताया जा रहा है कि लगभग आपको उसी रेंज में अवेलेबल होगा जिस रेंज में बाकी के फोन आज के रेट में, मतलब लगभग 17,000-18,000 के आसपास का ये रेंज रहेगा जिसमें आपको क्यू सीरीज का फोन मिलेगा। इसका भी स्टार्टिंग रेंज या लॉन्च या प्लान कुछ ऐसा कन्फर्म नहीं किया गया, सिर्फ हाँ इस पर काम चल रही है LG का Q92 पे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।